दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस बेसिकली ये जावा के अंदर क्या होता है, इसका हम यूज कैसे करते हैं और इसके सिंटेक्स जो होते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि इनहेरिटेंस जो है ये जावा के अंदर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो बेसिकली इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि किसी और क्लास की प्रॉपर्टी को अपने क्लास के अंदर इनहेरिट करना, यानी कि लेके आना। जैसा कि अगर एक एग्जांपल की बात कर लें, यहाँ पे जो इनहेरिटेंस का रोल होता है ये पेरेंट चाइल्ड का रोल होता है, यानी कि अगर जो पेरेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो भी बिहेवियर हैं, अगर हम उसको चाहें चाइल्ड के अंदर लेके आना, तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बन जाता है, जो कि इनहेरिटेंस का यही मतलब होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने एक क्लास बनाया हुआ है जिसके अंदर आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई है, जैसे कि क्लास के अंदर नेम बना दिया, एड्रेस बना दिया, ऐसे करके एक पेरेंट क्लास बना दिया। फिर अगर आप एक और चाइल्ड क्लास बनाते हैं, तो चाइल्ड क्लास के अंदर अगर आप चाहते हैं कि जो आपने पहले जो क्लास बनाया था, पेरेंट क्लास जिसके अंदर नेम था और एड्रेस था, उसको आप अपने चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उप्स का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है जावा के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उप्स का ये जो मेन यहाँ पे फीचर जो होता है ये इनहेरिटेंस का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख गए, तो अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेज हैं, तो आप सिर्फ उनके ऑब्जेक्ट को बना के अपने क्लास में यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पे उप्स का कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको आगे जो फ्यूचर में आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनहेरिटेंस होता है ये पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास के अंदर लेके आता है, और इसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ के आता है कि आखिर हम इनहेरिटेंस यूज क्यों करें, यानी कि जो हम क्लास बना रहे हैं अलग से, पेरेंट क्लास बना रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं कि एक ही क्लास के अंदर सब कुछ हम डाल दें? तो जी हाँ, हम ये चीज हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर और भी चेंजेस करने हो, जैसे कि अगर मान लीजिए एक ही क्लास के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया, तो वो कितना मैस हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे अलग अलग चीजों को अलग अलग यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर बैंकिंग की सिस्टम की ही बात कर लें, तो वो ट्रांजेक्शन के लिए अलग एक उन्होंने क्लास बनाया कि ट्रांजेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, फिर जो कस्टमर होंगे उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी वो अलग क्लास बनाया। ऐसे ही और भी सारी चीजें जो जो बैंकिंग से रिलेटेड होती है, सबका एक अलग अलग क्लास बनाते हैं, और एक जो मेन इनकी क्लास होती है उसके अंदर वो यूज करते हुए जाते हैं, जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली यही होता है कि कोड को हम रीयूजबल करते हैं, यानी कि हम जो पहले लिख चुके हैं कोड, सिर्फ इसको उसको हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से आगे यूज कर लेते हैं, यानी कि हमें वापस से बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पेरेंट क्लास में बताया था कि आपको नेम और एड्रेस हमने बना लिया है एक बार, तो हम सिर्फ उसको कॉल करेंगे, हम ये नहीं कि फिर से उसी क्लास के अंदर हम वापस से नेम और एड्रेस को बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है उप्स का। और यहाँ पे मेथड जो ओवरराइडिंग होती है ये इनहेरिटेंस की हेल्प से हम अचीव कर सकते हैं। वैसे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में आगे की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल आप ये सिर्फ जान लीजिए कि ये कोड रीयूजेबिलिटी और मेथड ओवरराइडिंग के लिए यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज होता है, और ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। और अगर हम यहाँ पे सिंटेक्स की बात कर लें कि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस जो बनाने वाले हैं उसका बेसिकली सिंटेक्स कैसे होता है, कैसे हम उसको बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप डेमो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया सब क्लास के नेम से, जिसे जो मान लीजिए आपने ये चाइल्ड क्लास बनाया, और अगर आपको जो पेरेंट क्लास बनाया, जैसे कि जो बेस क्लास है, अगर आपने उसको बनाया है, तो उसके फीचर को आपको ये वाले यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर लेके आने के लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड जो यूज करना होता है वो होता है एक्सटेंड्स। जब इस कीवर्ड को आप यूज करेंगे, तो ये जो आपका पेरेंट जो क्लास होता है, यानी कि इसके अंदर नेम और अगर एड्रेस है, तो वो दोनों को दोनों फीचर यहाँ पे इस क्लास के अंदर भी आ जाएंगे। तो एक बार और आप सुन लीजिए कि जो आपने यहाँ पे पेरेंट क्लास बनाया, पेरेंट क्लास के अंदर जो भी आपने प्रॉपर्टीज या फिर बिहेवियर जो कुछ भी आपने उसके अंदर मेंशन किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे उसको यूज करना चाहते हैं अपने चाइल्ड क्लास के अंदर, तो आप एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करेंगे और उसकी पूरी प्रॉपर्टी इस क्लास के अंदर आ जाएगी, आप उसको जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्रामर क्लास बनाया जो कि है चाइल्ड क्लास, और एक यहाँ पे इम्प्लॉय क्लास बनाया जो कि है पेरेंट क्लास। तो इम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने एक सिर्फ सैलरी का यहाँ पे वेरिएबल बनाया या फिर प्रॉपर्टी बनाया
फ्लोट टाइप का, उसको मैं इस प्रोग्राम वाले क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, यानी कि इम्प्लॉय क्लास को जब मैं, तो ये जो बेसिकली अगर इसी को मैं बताऊं ये सिंटेक्स की हेल्प से, तो आपने मान लीजिए एक क्लास बनाया क्लास प्रोग्रामर, और एक्सटेंड आप कर रहे हैं इम्प्लॉय क्लास को, यानी कि आप पेरेंट क्लास को इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये जो इनहेरिटेंस है इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही है वो कैसे वर्क कर रही है। तो बेसिकली अब तक की वीडियो में मैंने जावा की जितने भी वीडियो बनाए उसके अंदर मैंने सिंपल नोट पैड यूज किया है, उसके अंदर फिर हम उसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। अब मैं ये आगे की सीरीज में आपको वैसे पता लग गया कि कैसे हम नोट पैड पे ये सारा कुछ करते हैं, कमांड लाइन के थ्रू करते हैं। अब आपको आईडी भी चलाना आना चाहिए, यानी कि आईडी के थ्रू हम कैसे जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या, आप कोई भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आईडी, जैसे कि इक्लिप्स अभी मैंने रखा हुआ है, आप नेटबीन्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप वहां से देख के भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपल इसका प्रोसेस होता है नेक्स्ट नेक्स्ट करके, आप इसकी सेटअप फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद से इंस्टॉल कर लीजिए। तो इंस्टॉल होने के बाद अगर आप, अब देखिए अब इसके अंदर हमें प्रोजेक्ट अगर बनाना होता है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंपल हम जाते हैं यहाँ पे फाइल पे, देन उसके बाद से जाते हैं हम यहाँ पे न्यू पे, या फिर ऑल्ट शिफ्ट एन भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो भी आपका जावा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जावा प्रोजेक्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम पूछता है, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ अभी टेक टॉक ट्रिक्स डेमो, सिर्फ मैंने प्रोजेक्ट के यहाँ पे नेम दिया। और जो यहाँ पे JRE यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, ये मैंने 1.8 वर्जन को रखा है, और भी यहाँ पे बहुत सारे वर्जन है लेकिन मैंने यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन रखा हुआ है। अभी वैसे तो 1.9 भी आ चुका है लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ यही रखते हैं। फिर इसके बाद से ये सेपरेट फोल्डर अगर आप बनाना चाहते हैं, यानी कि ये जो आपने ये डेमो फोल्डर बनाया, अगर इसको आप सेपरेट बनाना चाहते हैं जो इनका मेन वर्क स्पेस है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट रखिए। अगर आप उसी के अंदर बनाना चाहते हैं तो यही आप फोल्डर को आप सेलेक्ट कर दीजिए, और सिंपल आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट बन गया। और जब हम इसके पाथ पे यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे टेकटॉक ट्रिक्स यहाँ पे डेमो बन गया, और देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल भी बनी पड़ी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्लास ऐड करेंगे जिसके अंदर हम अपने कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे जो इनहेरिटेंस का है। तो क्लास ऐड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है, देन उसके बाद से यहाँ पे आपको क्लास का ऑप्शन दिखेगा, क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो क्लास का हमारा नेम था प्रोग्रामर, उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं प्रोग्रामर, और हमें चाहिए पब्लिक स्टेटिक वॉइड मेन, तो हम इसको चेक कर देंगे ये साथ ही साथ आ जाएगा, या फिर आप उसको वहां पे भी बना सकते हैं। तो उसके बाद से सिंपल हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा क्लास बना के यहाँ पे दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्लास यहाँ पे बन चुका है, जिसके अंदर प्रोग्रामर क्लास यहाँ पे बन चुका है, और सेम नेम से ये यहाँ पे भी जनरेट हो गया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक बेस क्लास, और ये जो हमारा ये है प्रोग्रामर, ये अभी चाइल्ड क्लास है, इसको हम यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हैं चाइल्ड क्लास, और इसी के ऊपर हम यहाँ पे बनाएंगे पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ पेरेंट क्लास। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं जो कि पेरेंट होगा, और इसी की प्रॉपर्टी को हम ये जो प्रोग्रामर क्लास है इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है उसका नाम है इम्प्लॉय, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डाल देते हैं सैलरी का, जो कि होगा फ्लोट टाइप का। तो हम यहाँ पे फ्लोट, देन उसके बाद से सैलरी, और इसके अंदर कुछ हम वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे 40,000 में अभी फिलहाल रख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक पेरेंट क्लास बनाया जिसका नाम है इम्प्लॉय, और ये हमारा चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो पेरेंट क्लास है उसको हम यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए सबसे पहले हम ये जो हमारा प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा प्रोग्रामर क्लास है, इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो प्रोग्रामर, देन उसके बाद से ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, देन उसके बाद से न्यू, और हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दिए। तो यहाँ पे PRG इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कि जो प्रोग्रामर की सैलरी है ये है वो प्रिंट होगा। देन उसके बाद से एक और हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ बोनस, और बोनस में मैं रख देता हूँ 10,000 फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा बोनस है उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये सिंटेक्स यूज होता है जैसा कि आपको पता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट कराते हैं बोनस ऑफ प्रोग्रामर, देन उसके बाद से यहाँ पे कंकेटिनेशन के लिए हम यहाँ पे प्लस यूज करेंगे, देन उसके बाद से जो हमारा ऑब्जेक्ट है PRG डॉट
बोनस ये हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बोनस का तो हो गया। अब इसके बाद से अभी जब फिलहाल अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारी बोनस की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोनस ऑफ प्रोग्रामर ये 10,000 यहाँ पे प्रिंट हो गया कंसोल पे। अब जो हमारा यहाँ पे जो पेरेंट क्लास के अंदर है अभी तक हमने इसको इनहेरिट नहीं किया, यानी कि अगर हम इसको इसके अंदर यूज करेंगे तो ये अभी एरर देगा। देखिए कैसे, सैलरी को अगर हमें मान लीजिए प्रिंट करवाना है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, देन उसके बाद से सैलरी और यहाँ पे हम कंकेटिनेट कर देंगे पी आर जी डॉट सैलरी। देखिए ये हमने लिख दिया, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। और ये क्या एरर दे रहा है, देखिए यहाँ पे सैलरी कैन नॉट बी रिजॉल्व और इज नॉट अ फील्ड, यानी कि इसके अंदर ये तो सैलरी है नहीं, ये है दूसरे क्लास के अंदर यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर। तो यही जो फीचर था इनहेरिटेंस का यहाँ पे कि अगर आप किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने क्लास के अंदर लेके आना चाहते हैं या फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी को अपने क्लास के अंदर लेके आना चाहते हैं तो आपको ये जो पेरेंट क्लास होगा जो आपने अलग से क्लास बनाई है उसको यहाँ पे इनहेरिट करना होगा अपने क्लास के अंदर। तो इनहेरिट करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड हम यूज करते हैं, तो वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे एक्सटेंड। देन उसके बाद से किस क्लास को हमें लेके आना है, तो ये हमें लेके आना है इम्प्लॉय क्लास को, तो हम यहाँ पे इम्प्लॉय क्लास इनहेरिट कर देंगे। तो देखिए ये इम्प्लॉय क्लास जैसे ही इनहेरिट हुआ तो यहाँ पे जो सैलरी ये पे था इसके नीचे यहाँ पे एरर आ रहा था, ये एरर यहाँ से हट चुका है क्योंकि अब जो इम्प्लॉय के अंदर जो कुछ भी था वो सारा कुछ अब प्रोग्रामर क्लास के अंदर भी आ चुका है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है मेन इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को अपने क्लास के अंदर यूज करना है तो आपको उसको एक्सटेंड करना होगा यानी कि इनहेरिट करना होगा। तो इनहेरिट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लिखना है, देन उसके बाद से आगे उसकी क्लास का नेम लिखना है। तो ये इसके अंदर जो कुछ भी प्रॉपर्टी होगी ये सारा कुछ यहाँ पे प्रोग्रामर के अंदर आ जाएगा, तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने एक ये सिंपल सा एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताया है, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम करेंगे तो उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस होंगे तो वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे यहाँ से, तो देखिए हम यहाँ पे रन किए, हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया, बोनस ऑफ प्रोग्रामर यहाँ पे 10,000 और सैलरी यहाँ पे 40,000 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। इसके अंदर और भी टाइप्स हैं, ये हम आगे की वीडियो में समझेंगे कि जो इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।